शिक्षा निदेशालय में रोजगार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्नातक वेतन क्रम में चिन्हित शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा द्वितीय चरण में 140 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें ऐसी गढ़वाल मंडल के 72, कुमाऊं मंडल के 67 नवनियुक्त शिक्षक थे। वहीं नवनियुक्ति पत्र शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पाने के बाद शिक्षकों के चेहरों पर खुशी नजर आई है। इस कार्यक्रम में के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार नकल विरोधी अध्यादेश लाई है और हमारा संकल्प है कि प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के साथ साथ परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराई जाए। मैं पिथौरागढ़ से, गढ़वाल में मेरा सिलेक्शन हुआ है, चमोली में मुझे नई नियुक्ति मिली हुई है। मैं इसे पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा सरकार का, मुख्यमंत्री का। बहुत खुशी है, 2 सालों के बाद, इतना इतना इंतजार करने के बाद आज हम लोग को ये मिला है, तो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा ही खुश है। और सबसे बढ़िया बात है अपने गढ़वाल मंडल में, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 1 साल के अंदर जो 10 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है, उस क्रम में उत्तराखंड की सरकार भी लगातार हमारे विभिन्न विभागों में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। और जो अध्याचन हमारे रिक्त हैं, उन सभी को हम लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार भेज रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी सरकारी पद यहाँ भी खाली हैं, उन सबको अध्याचन के रूप में निकालें, उन सबकी विज्ञप्ति जारी करें और कैलेंडर के अनुरूप निष्पक्ष रूप से सभी को सेवा का अवसर मिले, चयन होने का अवसर मिले।